ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली आवो ना तरसावो ना। जैसे राधा ने माला जब भी शाम की मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। खिल के है गुल यहाँ खिल के बिखरने को खिलते है गुल यहाँ। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। मीठा छाए आधी रात बरन बन गई नींद बता दे मैं क्या करूं। मीठा छाए आधी रात बरन बन गई नींद फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती। हिंदुस्तानी सिनेमा की खासियत है गीत। दुनिया भर के सिनेमा में कहीं आपको गीत नहीं मिलेंगे आमतौर पर, लेकिन हिंदी सिनेमा गीतों के बगैर अधूरा है और ये बात शुरू से है। हमारे साथ हैं हिंदी सिनेमा के बहुत मशहूर गीतकार श्री गोपालदास नीरज जी। नीरज जी अपने जीवन के लगभग 9 दशक पूरे करने वाले हैं, यानी जब से सिनेमा ने बोलना शुरू किया लगभग पूरा इतिहास नीरज जी के सामने है और उनका योगदान हिंदी सिनेमा को बहुत ज्यादा है। आइए उनसे मालूम करते हैं कि ये खास बात यानी गीतों की के जरिए से कहानी कहने की कला और उसमें गीतकारों का जो रोल था जो भूमिका रही उसमें वो कैसी रही और उनका अनुभव सिनेमा से कैसा रहा। स्वागत आपका नीरज जी। आपकी जो शख्सियत है कभी किसी कवि सम्मेलन में जाते हैं तो आयोजक आपके नाम के जामिन होते हैं कि अच्छा बैठे रहिए नीरज जी आएंगे, तो वो आकर्षण वो सम्मोहन आपका है कि दर्शक श्रोता बैठे रहते हैं नीरज जी आएंगे आपको सुनकर ही जाएंगे। जब आप सिनेमा में गए तो जो भी गीत आपने लिखे वो इतने लोकप्रिय हुए कि जन जन तक पहुंचे और गुनगुनाते रहे लोग उसमें। आपका दखल साहित्य में और सिनेमा के लिए जो गीत लिखे गए उसमें बराबर का रहा और सबसे खास बात ये अलग कर देती है, हमें कई बार चकित करती है कि जब आप उर्दू में लिखते हैं तो बिल्कुल चेस्ट उर्दू में लिखते हैं और जब आप हिंदी में लिखते हैं तो उतनी ही शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। तो किस तरह से जुड़ा हुआ सिनेमा में? 8 फरवरी 1960 को एक आयोजन वहाँ किया गया था, श्याम प्रसाद जी ने किया था नीरज गीत गुंजन समारोह। तो एकल का पाठ मुझे करना था 2.5 घंटे का। भाई वी चौहान चीफ मिनिस्टर थे इस वक्त, वहाँ पर आए थे। तो मैंने 2.5 घंटे वहाँ पाठ किया का और उन्होंने मुझे 5,000 का पर्स प्रेजेंट किया था पब्लिकली। तो वहाँ आर चंद्रा वगैरह जिन्होंने बताई पिक्चर बरसात की रात वो भी उपस्थित थे। उन्होंने जब सुना तो मुझसे कहा कि भाई नीरज जी मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पिक्चर में गीत देखें, नया स्टूडेंट आपका ही है उसके लगा हीरो बना रहा हूँ और आप करो तो अच्छा होगा। मैं ठीक करूँ लेकिन मैंने कहा मैं लिखने के लिए नहीं आ सकता, आपको चाहिए तो मेरी कविता ले सकते हैं आप। तो उन्होंने क्या किया था, कारवा गुजर गया, मैंने 1954 या 1955 में दूरदर्शन वहाँ से पढ़ाया था रेडियो स्टेशन लखनऊ से। ओवरनाइट बहुत लोकप्रिय हो गया था वो सारे देश में, पाकिस्तान तक वो लोकप्रिय हुआ था। कारण क्या था कि कारवा गुजर गया गुबार देखते रहिए, फ्रेजी हिंदी वाले नहीं जानते थे, उर्दू में भी नहीं आता था फ्रेज। तो इसलिए उन्होंने इसकी लोकप्रियता बनाने उनका पिक्चर बनाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, पिक्चर बनाई। रफ़ी ने जब इस गीत को गा दिया तो पिक्चर के माध्यम से विश्व फैल गया। वो मैं जहाँ जहाँ अमेरिका कनाडा लंदन ऑस्ट्रेलिया कहीं जहाँ गया मैं सब कुछ कारवा गुजर गया, कारवा की फरमाइश की। तो फिल्म का बहुत बड़ा योगदान रहा और मैंने जो गीत लिखे गीत नहीं लिखे थे, मेरी कविताएँ थी आज की रात बड़ी शोक बड़ी नरकड़ी कविता थी मेरी, प्यार करें मुहूर्त निकल जाए कविता थी, सारी कविता लिखकर बनाई। गीत तो हिट हो गई, पिक्चर होनी चली, लेकिन उससे मेरा परिचय मेरी धूम मच गई बॉम्बे में। फिर एक बार क्या हुआ कि देव साहब एक कवि सम्मेलन चीफ गेस्ट बन के आए थे देवानंद जी, तो उन्होंने सुना तो बोले नीरज समडे वी विल वर्क टुगेदर। फिर क्या हुआ टीवी झंझुनवाला मेरे दोस्त थे वहाँ बॉम्बे में, वो इनकम टैक्स के ऑफिसर थे, उनका परिचय था। तो वो परिचय कराने मिलाने के लिए गए वहाँ पर। देव साहब ने कहा मुझे याद है मैं आपके साथ काम करूँगा एक दिन। तो मैं चला आया फिर प्रेम पुजारी 1964 में 65 में
मैंने कहीं उसके एडवर्टीजमेंट देखा, इसकी हाथ मेरे बड़े उसमें प्रेम पुजारी अनाउंस की दी उन्होंने, शायद की डेथ हो गई, गीतकार नाम नहीं था उसमें। तो मैंने बाई बाई रोटी लेटर टू देव साहब कि मैं आपने मुझसे प्रमिस किया था एंड आई वॉन्ट टू राइट, क्योंकि तुरंत 7 दिन बाद मेरे पास चिट्ठी आई, टेलीफोन तो था नहीं उसमें, मेरे घर पर लेटर आया उनका, नीज कब कम क्रॉस रेफरेंगे एडवांस कम एडवांस। मैं चला गया वहाँ पर तो बोले आप जाना कब है, मैं 6 दिन छुट्टी लेके आया हूँ साहब, तो बोले इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं रिजर्वेशन करा देता हूँ आपका लौटने का भी, हवाई जहाज से लेके क्या है। एसडी वर्मा से मैंने बात की थी तो एसडी वर्मा ये बोले कि मैंने यहाँ नीरज कौन है हमारी ट्रीटमेंट देख पाएगा नहीं देख पाएगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं देख पाया, मैं रिजर्वेशन ऑलरेडी करा दिया उसको जाना का, चिंता मत करिए। वो ले गए मुझे तो एसडी वर्मा ने कहा देखो ये ट्यून है, मैं छोटा छोटा सब चाहिए मुझे, सिचुएशन शराब की है, शराब पी गए वो खेमगढ़ की लड़की गई है वहाँ, तो उसके ऑनर वो फंक्शन मनाया जा रहा है, देव साहब दूसरी लड़की को लेकर आती है तो देखकर फ्रस्ट्रेट होती है, किसी ढूंढने में यहाँ ही हो यहाँ ही पागल हो गया दूसरे साथ घूम रहा है, ये सोच करके शराब की सिचुएशन है, फ्रस्ट्रेशन है, पीड़ा है, रेमिनिसेंसेस है और सटायर भी है, और तो पहला सब रंगीला चाहिए मुझे रंगीला। तो ट्यून सुनाई, मैंने समझ ली, देव साहब ने कहा कि जब तुम लिखोगी तो मुझे सुनाना आगे पहले, उनको भी चले जाना सुनने के लिए। मैं ठीक है, मैं रात भर बैठ कर मेहनत कर गीत पूरा किया, और जब सुबह देव साहब को, मैं सांताक्रूज में रहता था, वही सांताक्रूज उनका खीरा बिल्डिंग थी, वहाँ गया देव साहब को सुनाया, वो खड़े हो गए उठ गए और नहीं आती क्या कहना है क्या कहना है, वाह 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 वाह, तुरंत टेलीफोन किया जी बर्मन को, साहब वो गीत पूरा हो गया, देव बर्मन दादा ने कहा कि जल्दी पूरा होगी, मैंने कल बताया था आज पूरा हो गया साहब, तो परे करना 6 दिन छुट्टी ला, वो क्या करता बेचारा साहब। वो अब बैठे, भाभी बैठी और एक लड़का हिंदी समझता था कानपुर का था, वो बैठा था, तो एक एक शब्द जब उन्होंने पढ़ा सुना चौके, एक एक शब्द मुद्दी से जड़ा हुआ, रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, छलिया रे न बुझे है किसी जल से ये जलन, किसी जल से मतलब शराब का प्रतीक है, अब जहर भी है क्या, किसी जल से ये जलन, पलकों के झूले से सपनों की डोरी, प्यार ने बांधी जो तूने वो तोड़ी, खेलिए कैसा रे साथी, दिया तो झूमे है रोए है बाती, कहीं भी जाए रे रोए या गाए रे, चैन ना पाए रे हिया, अरे वाह रे प्यार वाह रे वाह। पलकों के झूले से सपनों की डोरी, रंगीला रे वो तो हिट सुपर हिट था, शोकियों में घोला जाए, अब इसमें था मेरा ओरिजिनल कविता थी चांदनी में घोला जाए, वो शोकियों में घोला जाए, वो अच्छा ओरिजिनल थी चांदनी में घोला जाए, चांदनी में घोला जाए फूलों का शराब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, तो चूंकि वो पिक्चर उनका देव साहब ने कहा चांदनी कैसे चला दिन में पिक्चर कर रहा हूँ, शोकी बने कर दिया, शोकियों में घोला जाए फूलों का शराब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, फिर शोकियों में घोला जाए फूलों का शराब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार वो प्यार है, शोकियों में घोला जाए फूलों का शबा। अब एक्सपेरिमेंट करते थे, फिर उन्होंने एक गीत बनाया, बोले देखो नीरज में एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ मैं, हर गीत में पहले मुखड़ा होता है, उनका अंतरा पहले आएगा मुखड़ा बाद में आएगा, वो था फूलों के रंग से दिल की कलम से तो उसको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊँ करते जाते जाते इतना मधुर किया मेरा प्यार लेना होगा जरा, मैंने कह के सुपरहिट गीत हुआ। फिर उन्होंने एक गेमलर पिक्चर दी है, लेकिन एक जीत जो बिल्कुल अमरजीत से बनवा रहे थे, वो उनका जो पब्लिसिस्ट था तो कभी अमरजीत से बनवाए कभी खुद बना रहे थे, अमरजीत बना रहे थे, ऐसी भाई उन्होंने चाहेगी नहीं पिक्चर गेमलर, उसके गीत लिखवाए तो वो भी गीत हिट हो गए, उसमें एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया एच डी पर उन्होंने कि देखो इसमें क्या है, ये मुखड़ा खड़ा नहीं है, नज्म है की पूरी दिला शायर है गमा नगमा सब यह सदर सदम पूरा हिट हुआ कि तू तो चूड़ी नहीं मेरा दिल है ये सब हिट हुआ, चलो तो एक्सपेरिमेंट करते थे। चूड़ी नहीं है मेरा दिल है देखो देखो टूटे ना, चूड़ी नहीं है मेरा
काश कपूर का कि भाई गीत लेना, मेरे मतलब यहाँ मैं कैसा हूँ, नहीं वो आइए आप, तो मैं गया वो ले गए, छः दिन छुट्टी ले गए कॉलेज से, मैं गया तो मैंने कहा रास्ता बोले ऐसा करो नीरज ऐसा करते भाई यहाँ लोनी चलते हैं पूना वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, चले काम करें बड़े डिस्टर्ब रहेगा लेने पूना में, पूना में उनका महल था, खाना वाना हमने किसान बताओ क्या लिखना है, बोले गीत लिखो, हमने गीत किसके लिए, बोले जोकर गाएगा सर्कस गीत होना चाहिए, मैंने आप गाएंगे जोकर, मैं समझा आपने क्या मैं समझा था आपको गंभीर बात होगी, बोले नहीं नहीं तुम्हें बताइए क्या लिखा जाए, मैंने गीत का लिखा है जोकर गाएगा तो गवैया हो जाए कैरेक्टर मर जाएगा, तो न गीत गा सकता है न गजल गा सकता है न कव्वाली गा सकता है न भजन गा सकता है, अब वो चक्कर में क्या बजाए, दो दिन हो गए तीन दिन मेरी रास्ता बता, बोले हम नहीं जानते अब आपकी मर्जी जो करिए, तब मैंने बताया साहब ब्लैंक वर्स हो सकता है कि गाता जाए बात भी करता जाए बातचीत हो जाए, बोले हाँ ही चाहिए, तो ए भाई जरा देख के चलो, तो मैंने सुना उनको ओ बोले यही चाहिए था, पूरा सर्कस में रूपक है, सर्कस के माध्यम पूरा जीवन दर्शन है उसमें, इससे पहले फिल्म ब्लैंक वर्स कोई आया नहीं था, तब राजस्थान का टीन बताइए आप, तो टीन में नेक्स्ट की बताई कैसे पड़ेगा, ए भाई जरा देख के चलो आगे ही नहीं पीछे भी दाएं ही नहीं बाएं भी ऊपर ही नहीं नीचे भी, ए भाई जरा देख के चलो तू जहाँ आया है वो तेरा घर नहीं गली ना गुजर नहीं बस्ती नहीं रास्ता नहीं दुनिया है, और प्यारे दुनिया ही सर्कस है, सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है, और रिंग मास्टर के कोड़े पर कोड़ा जो भूख है कोड़ा जो पैसा है कोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है, हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है, भाई जरा देख नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है, हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है, ये भाई एक ही जो था उन्होंने साधन का वो खटबली सिचुएशन है, खटबल देखो तो उनकी बड़ा फेमस गीत था पहले का धीरे जाना बगियन में वो बगिया आपको सुना बहुत फेमस गीत था, उसी को उन्होंने पेलोडी लिखवाई, तो मैंने दादाजी आप क्या कर रहे अपना इतना सुंदर गीत मरवा रहे, बोले नहीं तुम लिखो, लिखा लेकिन वो गीत हो गए धीरे जाना खटिए वो खटबल धीरे जाना खटिए कविता उसमें भी है, धीरे से जाना खटियन में ओ खटमल, धीरे से जाना खटियन में, सोई है राजकुमारी सोई है राजकुमारी, देख रही मीठे सपने, जा छुप जा तकियन में ओ खटमल, धीरे से जाना खटियन में। ये फिल्म का करियर चला फिर जब मेरी क्या हुआ 73 में जब मेरी पिक्चर सिल्वर जुबली कर रही थी शर्मिली, तब मैं चलाया वापस, इसलिए चलाया वापस कि सबसे पहले रोशन के साथ हिट हुआ था, मैं कारवा गुजर गया बनाकर सारे विश्व पहचान दिया था, वो नहीं रहे दुनिया, फिर ये राज कपूर का ग्रुप टूट गया जग सिंह की डेथ के बाद, मैं ये भी गई, अब उसके बाद है एस डी वर्मा उन्होंने बीमार का काम करना छोड़ दिया, तो मैंने कहा अब तीन लोग इतने बड़े बड़े चले गए किसान लिखा, मैं सबके साथ लगे सबके साथ हिट हुआ, भाई मनोज कुमार के गीत लिखे वो भी हिट हुए, कन्यादान के लिखे वो भी हिट हुए। नीरज जी ये खास बात हिंदी फिल्मों की है कि गीतों के बगैर आमतौर पर फिल्मों की कल्पना नहीं करी जा सकती, बल्कि शुरू में तो बहुत ही फिल्म गाने हुआ करते थे, और ये श्रेय भी जाता है कि हिंदी फिल्मों के गीत हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी बहुत लोकप्रिय हैं। नई भाषा का इतना बड़ा प्रचार फिल्म ने किया किसी ने किया, मैं तो हर गीतकार से कहता हूँ पहले जाकर फिल्म ट्राई करो, फिल्म में ट्राई करोगे तुम डिक्टेटर ऑफ लैंग्वेज होगे तभी कर सकते हैं फिल्म सफलता, फिल्म का गीत आप तब लिख सकते हैं आप डिक्टेटर ऑफ लैंग्वेज हों, कि मुझे कैमरे का भी लिखना पड़ा, ये कैमरे में अभी तरफ लिखा क्या लिखा था, प्रणाम बहुत फेमस गीत हुआ, रेशमी उजाला है मखमली अधेरा।
अच्छा, जो भाषा आपने जो इस्तेमाल की सिनेमा में, उसमें भी आपकी एक अलग पहचान है। वो भाषा कोई लिख नहीं पाया, मैंने वो नए प्रयोग किए। सपनों की गीतांजलि तू, सांसों की सरगम धड़कन की वीणा, सपनों की गीतांजलि तू, इतना मधुर संस्कृत के शब्द, नीरज नैना, नैन भाई गंगा मोरे, फिर मैंने तो वो लैंग्वेज कोई लिख नहीं पाया, कि फिल्म की भाषा दूसरी है। अधिकांश फिल्म के गीत जो है 50 शब्दों में घूमते हैं, रब्बा रब्बा रब्बा, ये चलते शब्द, हमने प्रयोग नहीं किया कभी। आज के जब आप गीतकारों को कभी कभी सुनते होंगे सिनेमा में, तो क्या लगता क्या है? अब ये दो तीन लोग मुझे पसंद हैं, ये गुलजार साहब होते हैं, नया एक्सपेरिमेंट करते हुए, और एक लड़का क्या नाम जोशी, कुछ बहुत अच्छा लिख रहा है। अब ये गीत बहुत लिखा तो मैं एक पीछे मुझे लिखवा रहा हूँ, लोग मुझसे गीत लिखवा रहे थे, मैंने कि भाई फिल्म विल्म के गीत तो लिखता नहीं, आप कहो तो प्रश्न जो इसमें कह दूँ लिख लिखने के लिए, बोले आँख दादा के, तो कह रहा वो लिख दूँ दादा के आपके आँख, उसका प्रसाद जो अब नजर मैंने किया देहरादून 4-5 साल पहले, उनका भी गीत बहुत अच्छा, वो अभी जो लिखा सूफियाना उसने मिल्खा सिंह में जी, अलफ अल्लाह बहुत बढ़िया गीत है, नहीं सब पंजाबी भाषा लिखी पूरी। अच्छा, आपने जब सिनेमा में प्रवेश किया था तो उस वक्त भी उर्दू के भी शायर रहे होंगे? उस समय सब तक करे शायर के साथ, शायर मुझे शायर थे, मजदूर थे, इंदीवर थे, परिजवास थे, प्रदीप थे, इन सब के साथ लिखना था मुझे, उस समय जो को लिखा कविता लिखी गई सब, समय और लोग भी कविता लिख रहे थे, शायर ने भी समय पोइट्री लिखी इस वक्त, सत्य गीत नहीं लिखे थे, मुझे भी चक्कर लेनी पड़ी, तो वही मैंने जो है कादमा गुजरेगा सफर टू, आज की रात बड़ी शोक बड़ी नगर प्यार का मुहूर्त निकल जाएगा, सब कुछ तो समय होता है, वो दौर था कविता का, प्रोग्रेसिव मूवमेंट चल रहा था, प्रोग्रेसिव मूवमेंट भी चल रहा था ना, साथ उस जीत जो आज की रात बड़ी चला फट पर ठहर हुए जो वहाँ देते हैं फुटपाथों पर, जिंदगी कफन तक न आ पाती है, और वो झोपड़ी छत भी है जिसके सर पर छाते छप्पड़ी जहाँ जिंदगी सो जाती है, पहले इन सबके लिए एक इमारत कर लूँ फिर तेरी मांग से तारों से जली जाए, इलाज में लगना पड़ा मुझे, तो क्या एक विचारधारा थी, विचारधारा की तरफ लिखे जा रहे। बाद में उसके बाद एक समय आया, मैंने देखा जब मैं चला गया थोड़े दिन बाद देखा कि जो पिक्चर में लाखों बंदी करोड़ों बनने लगी, मैं जब तक रहा यहाँ तब तक पिक्चर लाखों बंदे आती थी, लाख जेब में हूँ दो चार तो आप पिक्चर शुरू कर सकते थे, जब मैं देखा थोड़े दिन बाद देखा करोड़ों जगह में पुराने सब आउट कर दिए उन्होंने, कोई पुराना मुझे सब आउट कर दिए, नौशाद तक रहे नौशाद को नहीं रखा, और मदन मोहन जितने सबको आउट कर दिया, और नए नए लड़के आ गए, अब करोड़ों पिक्चर बनने लगी, समझा एक आठ या 25-25 करोड़ मांगता है, और 100-100 करोड़ का बिजनेस हो रहा है। अब गीतकारों को भी बहुत अच्छा पेमेंट, अब मुझे मालूम है तो अपने कभी मांगा नहीं, देव साहब ने जो कुछ दे दिया लिया, अब जो गीतकार भी लाख दो लाख लेते होंगे पिक्चर का। पर एक चीज़ है, एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ, ग्रामर पूरी सिनेमा की बदल गई, और कम उम्र के जो डायरेक्टर्स हैं वो भी बहुत अच्छी फिल्में बना रहे हैं, ये जो गीतों को लेके संगीत को लेके कभी उतार चढ़ाव आते रहे, पर ये जो है एक भाषा एक जबान जो सिनेमा की है उसको लेके ये था, काफ़ी हद तक तो डायलॉग्स ज़्यादातर उर्दू में ही हुआ करते थे, और कभी जो देशज शब्दों का बड़ा इस्तेमाल किया गया, अब की भाषा तो बिल्कुल एक कहिए कि हिंदुस्तानी जबान आ गई अब तो, और हिंदुस्तानी जबान में ही कोई चीज़ लोकप्रिय हो सकती है, न उर्दू चल सकती है, शुद्ध हिंदी चल सकती है, न शुद्ध उर्दू न शुद्ध हिंदी, हिंदुस्तानी जबान जो हम बोलते हैं उसी में चलेगी ना, और गंगा जमनी तहजीब करी कुछ करिए, और वही तहजीब यहाँ की रही है देश, आज भी गजल जितने देख रहे हैं हम तो उर्दू मशारे में भी जाते हैं, जितने गजल के देख रहे हैं सब हिंदुस्तानी जबान लिखते हैं। अच्छा, आपकी सभी रचनाओं में एक एक विचार यात्रा एक दर्शन नजर आता है, तो ये हमको लोगों ने मिसअंडर आजाद किया, श्रृंगार कभी माना हमको, बहुत लोगों ने जिन्होंने नहीं ठीक गहराई पढ़े नहीं, लेकिन श्रृंगार कभी नहीं हुआ है, क्या दर्शन में लिखा है फिलोसफी, लेकिन फिलोसफी क्लिप्स दी विंग्स ऑफ पोएट्री, ये किताब फिलोसफी कविता के पंख देती है, यानी दर्शन में कविता नहीं लिखी जा सकती, लेकिन मैं कहता हूँ विदाउट फिलोसफी पोएट्री बिग जीरो, तो फिलोसफी में कैसे कविता लिखी जाए, फिलोसफी के बगैर कविता जीरो, कविता जीरो को मानता हूँ मैं, तो कैसे होता है, जैसे प्रकार से पारस को स्पर्श करके लोहा सोना हो जाता है, उसी प्रकार रूमानी बिंब को लेकर के जो स्पर्श मिलता है फिलोसफी दर्शन फिर तरस हो जाता है, जैसे वही गीत है
प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा, लक्ष्मी का कौन श्रृंगार पूरा यहाँ करते, ये सूत्र है। उसी प्रकार जो कुछ मैंने कहा है, इस सागर में कोई न बचा, सबके सब क्षण में डूब गई, जो मझधारों से बचाई वो किसी नयन में डूब गई। बुद्ध का दर्शन है, बुद्ध ने कहा संसार में दुख ही दुख है, दुख सत्य है। तो वो मैं कह रहा हूँ पानी की मात्रा थी कि संसार में ऐसा दुख का समुद्र है कि सब कोई बचता नहीं, जमीन पर हम खड़े लेकिन सबके ऊपर पानी चल रहा है, उसके तरह तरह के रूप हैं। पानी ही था सब और मगर बहता था अनगिन रूपों में, अरे सूखे कपड़े पहन के भी घूमता कभी कभी, इस सागर में कोई न बचा, सबके सब क्षण में डूब गए, जो मझधारों से बचाए वो किसी नयन में डूब, सभी डूबे थे चोटी तक, कहने को थे वासी थल के, पनघट से लेकर मरघट तक छींटे ही छींटे थे जल के, पानी ही था सब और मगर बहता था अनगिन रूपों में, जो शब्द जो समय शब्द थे काजल के, वो सांझ अछूते अंचल के, ऐसा था लहरों का चढ़ाओ, बस सका न कोई रंग कराओ, कुछ झोपड़ियों में अगर हुए कुछ राजभवन में डूब गए, सागर में कोई न बचा। चलिए वापस अगर उस पर एक चीज़ आपके जीवन से कुछ एक सवाल मालूम कर ले, नीरज आपने नाम क्यों चुना आपने लिए? नीरज पहले नाम जो था मेरा गोपालदास था, तो हमारे हम वैष्णव लोग हैं, हमारे हमारे जितने भाई के नाम दास गोपालदास किशन दास दामोदर सब नाम है, समझा? तो हम लोगों का ये फिर मैं भाव का नाम रख लिया, भावुक शब्द बड़ा ख़राब सा लग रहा कि भावुक भावुक क्या होता, लोगों का यार अच्छा नाम रखोगे, लोगों का नीरज रख लो हम, ठीक है ये नीरज रख के वो जूते के साथ बड़ा सूट कर गया हमारे नाम को, मैं थोड़ा हिस्टोरी भी जानता हूँ तो नीरज के हिसाब से बहुत सूट किया मुझे, समझ साहब। और वो जात पात में मेरा विश्वास कभी रह नहीं रहा, किसी की किताब पर मैंने नीरज के खिलाफ कुछ लिखा ही नहीं, समझ साहब, लोग रात को जोड़ने लगे ये जोड़, मैंने कभी जात पात में विश्वास, जात पात से बड़ा धर्म है, धर्म ध्यान से बड़ा कर्म है, कर्म कांड से बड़ा मर्म है, मगर सभी से बड़ा यहाँ एक छोटा सा इंसान है, और अगर वो प्यार करे तो धरती स्वर्ग समान है। मेरी माता से जात पात में विश्वास नहीं किया, अब नीरज नाम से नीरज फैम पा लिया, क्या है कैसे अभी समय भी मेरा ठीक ठाक समय आया है, अब तो अभी और दो साल तीन साल जी जाऊँ मैं जानता हूँ कि कब जाना होगा, अभी जो 92 मैंने सो रखा अपना कैलकुलेट जो किया हुआ ज्योतिष के अनुसार 92 ईयर्स है, अब देखो वही पैर चलने लगे काम नहीं कर रहे, लेकिन आत्मशक्ति जो है मेरे अंदर बहुत प्रबल है, मेरे अंदर विल पावर है, उसी जी रहा हूँ मैं, और कहता हूँ फौलाद की मूरत भी फैल सकती है, पत्थर से भी रसधार निकल सकती है, इंसान अगर अपनी पे आ जाए तो कैसी भी हो तकदीर बदल सकती है। नीरज जी के रूप में हमारे सामने एक लगभग पूरी शताब्दी है, जिस जिन्होंने अपने अनुभव से हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी दी, बहुत सारी बातें सोचने को दी होगी आपको, बहुत सारी सामग्री आपको दी होगी। नीरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया।